आई एम निशा। निशा की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं आज अपनी रसोई में गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बिना घिसे, कम समय में, कम सामग्री में बहुत ही जल्दी इंस्टेंट तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए हम इसे, और इसे कट करना है। कट करके इसे हम फिर बॉईल करेंगे, और कट करके मोटे मोटे टुकड़ों में इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। फिर इसे हम आधे ग्लास पानी में कुकर में बॉईल करेंगे। गाजर कट चुके हैं, अब हम इन्हें कुकर में बॉईल करेंगे। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। इसमें आधा ग्लास हम पानी डालेंगे और गैस को ऑन करते हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच देसी घी डालते हैं। हमने गाजर में पानी इसलिए कम डाला है क्योंकि ये खुद पानी छोड़ेगा और 2 सीटी में हमारा गाजर गल जाएगा, जिससे बहुत ही जल्दी ये आसानी से पक जाएगा। 2 सीटी हमें लगानी है। गाजर के हलवे में जो यूज़ करेंगे वो इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमने चीनी ली है, आप स्वाद के अनुसार चीनी रख लीजिएगा, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी लीजिएगा। ये देसी घी है 2 बड़े चम्मच, नट्स हैं, ये हैं बादाम, और कुछ काजू लिए हैं, इलायची लिए हैं, जिसका हम छिलका उतार के उसके दानों को हम पीस लेंगे। ये आधा केजी हमने दूध लिया है, जो खोए की जगह हम यूज़ करेंगे। गाजर अब बॉईल हो चुका है, और कुकर की सीटी निकलने के बाद हम इसे खोलते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। इसे कलछुल से ऐसे ही हल्का हल्का हम दबा लेते हैं, फिर गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम दूध डालकर इसको चलाते रहेंगे, जिससे ये बिल्कुल घिसे हुए गाजर की जैसे क्रश हो जाएगा। इसमें हम ये आधा किलो दूध डाल देते हैं। एक चम्मच घी ऊपर से डाल देते हैं। ये इलायची पाउडर क्रश करके रखा था वो भी डाल देते हैं। अब इसको हम चलाते रहेंगे। कलछुल से चलाते 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 इसे हम दबाते हुए मिक्स करेंगे, और ये पकते पकते बिल्कुल घिसे हुए गाजर की तरह हो जाएगा। जब तक ये पकता है तब तक हम ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। हमारा गाजर का हलवा पकते पकते हमारा गाजर का हलवा पकते पकते अब ऐसा हो गया है, अब ये रेडी होने वाला है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट काटे थे वो ड्राई फ्रूट भी अभी यहीं पे थोड़े डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, 5 मिनट और पका देते हैं कि हमारा गाजर का हलवा झटपट तैयार हो गया। ये घी हम हलवा तैयार होने के बाद उसके ऊपर से डालेंगे, तो घी का स्वाद और देखने में घी ऊपर से बहुत अच्छा लगेगा। अब हम ड्राई फ्रूट काट लेते हैं जब तक हमारा गाजर का हलवा पक रहा है। गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इस पे जो बचा हुआ घी था ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि देखने में और अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। इस घी को हम मिक्स कर लेते हैं, फिर हम सर्व करते हैं।
इसको हम गैस बंद करते हैं और हम अपने हलवे को एक बाउल में सर्व कर देते हैं। अब हमने अपने हलवे को सर्व कर लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर लेते हैं। हमने अपने गाजर के हलवे को सर्व कर लिया है, देखने में कितना प्यारा कलर आया है और कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।